हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूली और स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं बनाऊंगी भिंडी मसाला की सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और अगर आप भी रोज ही भिंडी की सब्जी खाकर बोर हो गया तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है और अब कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तो मैं यहाँ 4 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो तेल हमारा अब गर्म हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ये 250 ग्राम भिंडी ली है और भिंडी को मैंने इससे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ऐसे निशान लगा दिया है। तो अब हम चलिए भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे भिंडी डालूंगी, तो सारी भिंडी हम यहाँ पे डाल दी। तो देखिए दोस्तों, मैंने भिंडी यहाँ पर डाल दी है और हम भिंडी को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसको थोड़ा सा कलर नहीं आ जाता। भिंडी फ्राई करने से भिंडी स्टिकी नहीं बनती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो भिंडी है वो फ्राई हो गई है। तो हमें इससे ज़्यादा से फ्राई नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसे निकाल लेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसी तेल में, ये मैंने 2 लाल मिर्च ली है सूखी, 1/2 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, 2 टुकड़े मैंने इलायची के लिए हैं, 3 छोटी इलायची ली मैंने और 2 लौंग लिए हैं, तो वो मैं यहाँ डाल दूँगी। चला लेंगे इसे। और अब ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए जिन्हें मैंने ऐसे 2 छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। इस स्टेज पर मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दूंगी। मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यहाँ डाल दिया है, ये भी प्याज के साथ अच्छे से भून जाएंगे। तो अब हमें प्याज को तब तक भूनना जब तक कि हमारे जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारे प्याज है वो अब भून गए हैं, इससे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को हम स्लो पे कर देंगे और अब हम इसमें अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालूंगी, 1/4 टेबल स्पून मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डालूंगी और 1/2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे सब्जी मसाला ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 1/2 मिनट के लिए हम मसालों को भी प्याज के साथ भून लेंगे। तो ये देखिए, जो हमारे मसाले हैं वो प्याज के साथ अब भुन गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर, ये मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई है तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब जब टमाटर की प्यूरी मैंने मिक्स की तो मैं यहाँ पे नमक भी डालूंगी। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिए। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर ढक्कन लगा दूंगी और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे मसाले जो हमारे मसाले वो अच्छे से पक नहीं जाते और मसालों से तेल अलग नहीं हो जाता। तो चलिए दोस्तों, ढक्कन हटा के देखते हैं कि हमारे जो मसाले हैं वो पक गए कि नहीं। तो ये देखिए, जो मसाले हमारे पक गए हैं और मसालों से तेल भी अलग हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पर, ये मैंने 2 बड़े टेबल स्पून दही लिया है तो इस दही को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल, जब तक हमारी दही अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। तो देखिए, मैंने दही को मिक्स कर दिया मसालों के साथ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम फिर से ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे अच्छे से, जब तक दही मसालों के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो चलिए दोस्तों, ढक्कन हटाते हैं और देखिए, आप देख सकते हैं कि मसालों से जो तेल है वो अलग हो गया, मसाले जो है हमारे वो बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून चीनी ऐड करूंगी ताकि जो टमाटर और दही की खटास है उसे बैलेंस कर सके। इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम अपनी भिंडी इसमें ऐड करेंगे। तो जो भिंडी हमने फ्राई की थी अब मैं उसे यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। इसे मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, सब्जी अभी से ही कितनी अच्छी लग रही है देखने में।
तो ये देखिए दोस्तों, मैंने भिंडी को मसालों के साथ मिला दिया है और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैं हाफ कप पानी ऐड करती हूँ, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर ये हाफ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करूंगी, एक बार इसे फिर से चला लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर सारी चीजें ऐड कर दी है और फाइनली हम सब्जी को ढककर 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि जो हमारी भिंडी है वो मसालों के साथ थोड़ा अच्छे से पक जाए और मसालों का जो टेस्ट है वो भिंडी में अच्छे से आ जाए। तो इसे ढक देते हैं और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। तो दोस्तों 4 से 5 मिनट हो गया, चलिए ढक्कन हटाते हैं। वाओ, ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी से। तो फाइनली मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी सब्जी में ऊपर से, और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे एक बार चला लेंगे। और देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी भिंडी मसाला की सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार है। आप देख ही सकते हैं सब्जी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इसे सस्ते बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।